हाय फ्रेंड्स, और आज हम बात कर रहे हैं गुंगजाओ और हेबेई के मैच के बाद की। आई होप चाइनीज़ लीग अब आपको थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई होगी, बिकॉज इस लीग में बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं। जो प्लेयर लिस्टेड बेस्ट प्लेयर्स हैं वो किसी ने लास्ट गेम स्टार्ट ही नहीं किया, और बहुत अप डाउन होता है बिकॉज काफ़ी इसकी कवरेज भी कम है, और प्लेयर्स कैसी फॉर्म में हैं कैसे नहीं है वो नहीं पता लगता। लेकिन हम अपनी रिसर्च के साथ फिर आपके लिए हाजिर हैं ये टीम पेश करने के लिए, और आपको बताना चाहते हैं कि इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या रहेगा और क्या स्कोर होने वाला है। क्योंकि जब तक आपको वो आइडिया नहीं होगा तब तक आप वो अच्छी टीम नहीं बना पाएंगे, और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगी कि आपको जीतने वाली टीम बना के दें जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिले ड्रीम इलेवन फुटबॉल में। तो देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ दोनों टीम्स के बीच के मैच की, तो यहाँ पर गुंगजाओ और हेबेई के बीच में जो मैच है, देखिए गुंगजाओ इस समय बहुत अच्छी फॉर्म में आया था इस मैच से पहले, लेकिन उन्होंने अपना लास्ट गेम हार गए। गुंगजाओ इस समय फोर्थ पोजीशन पर है, 15 मैचेस में 30 पॉइंट्स हैं। वहीं पर हेबेई ने 15 मैचेस में 23 पॉइंट्स हैं। हेबेई सेकंड लास्ट पोजीशन पर है चैम्पियनशिप में, 8वें में से 7वां। तो गुंगजाओ हैवी फेवरेट्स है, लेकिन गुंगजाओ लास्ट मैच में हार गए थे बेजिंग गुआन से। इवन दो बेजिंग ने ये मैच जीता था, लेकिन गुंगजाओ ने भी 17 टोटल शॉट्स मारे थे उस मैच में और 4 ऑन टारगेट थे। तो गुंगजाओ के पोजीशन भी ज़्यादा था, 54% था, पास एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी, चांसेस ज़्यादा क्रिएट किए थे, लेकिन समहाउ वो गेम को नहीं जीत पाए। लेकिन ये एक ओपोनेंट उनके लिए आइडियल ओपोनेंट है। और अगर आप बात कर रहे हो हेबेई की, तो हेबेई तो लास्ट मैच बहुत ही ख़राब खेला था। वो शैंडोन टाइशान से 5-0 हार गया था अपने घर पे, और जिस तरीके से खेल रहा था ये मैच में 7-8-0 भी हार सकता था। तो गुंगजाओ इसमें हैवी फेवरेट्स हैं, 2 या 3-0 से ये गेम जीत सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इसकी इसमें बेटर प्लेयर्स कौन से हैं गुंगजाओ के, क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पोजीशन पर जो प्लेयर्स खेलते हैं, जो ये आगे वाली पोजीशंस है, उस पर हमें ध्यान देना है कि वहाँ पर गुंगजाओ के प्लेयर्स कौन से खेलते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं लियू और शिहाओ हमने लिए हैं, लियू और शिहाओ आगे खेलते हैं सबसे ज़्यादा। लास्ट मैच की अगर मैं लियू की परफॉर्मेंस की बात करूं, क्योंकि मैं पिछली और परफॉर्मेंसेस को देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इतने महीनों बाद ये लीग्स हो रही है। 2 शॉट्स उन्होंने लिए थे लियू ने, एक चांस क्रिएट किया था, एक टैकल भी क्रिएट किया था, इस वजह से इनके 27 पॉइंट थे। ये कहीं ज़्यादा हो सकते थे अगर ये अपने एक दो चांसेस लेते तो। और वहीं शियाओ ने 21 पॉइंट लिए थे, इन्होंने शॉट नहीं लिया था लेकिन इन्होंने 3 चांसेस क्रिएट किए थे। तो आप इन दोनों प्लेयर्स, जो क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगे खेलते हैं और ये स्टार्ट करते हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स को ज़रूर लीजिएगा। वहीं पर इनके जो जस्ट पीछे अगर मैं खेलने वाले प्लेयर हैं वो जियोई है। देखिए, सिर्फ 0.95% लोगों ने लिया है, जो कि एक हैरानी वाला स्टार्ट है, लेकिन आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है कि लोगों को इतना अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो ये खेलते हैं प्लेयर, अगर आप इनकी बात करें तो ये अटैकिंग मिडफील्डर जियोई खेल रहे हैं। लास्ट मैच में सब्सिट्यूट हो गए थे लास्ट में क्योंकि गुंजाओ कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया था, लेकिन ये अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खेलते हैं, इनको भी आप ज़रूर लीजिए। इनकी भी जो लास्ट की परफॉर्मेंसेस थी आप देख सकते हैं, तो इन्होंने इंटरसेप्शन किए था और इन्होंने खास कुछ किया, सॉरी ये तो ये चाओ का है। जियोई का अगर मैं लास्ट परफॉर्मेंस देखूँ, तो उन्होंने 1 चांस क्रिएट किया था, 1 इंटरसेप्शन किया था, और मे बी शायद ये थोड़ा सा ऑफ पेस थे। उम्मीद है कि इस गेम में बेटर खेल सकते हैं। ये तो हो गए हमारे गियोव के जो अटैकिंग प्लेयर हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे लियाओ। देखिए, लियाओ जस्ट थोड़ा सा पीछे खेलते हैं, ये 4-3-1-2 फॉर्मेशन में खेलते हैं। तो 4-3-3 में जो सबसे लेफ्ट में है वो लियाओ खेलते हैं। लास्ट मैच में देखा जाए तो चांसेस भी 2 क्रिएट किए थे, शॉट भी लिया था, टैकल भी किए थे। ये ऑलराउंड खिलाड़ी हैं लिशेंग लियाओ, इनको ज़रूर आप टीम में लीजिए। पूरे 90 मिनट लास्ट गेम में भी खेले थे। वहीं पर हमने दूसरे छोर पे यान खेले थे। देखिए, यान भी अच्छे प्लेयर हैं, यान ने भी पिछले मैच में 29 पॉइंट लिए थे। लेकिन देखिए, जितना जितना प्लेयर पीछे आता रहेगा उतना टैकल इंटरसेप्शन के पॉइंट आपको मिल जाएंगे। टैकल 1 किया, इंटरसेप्शन 1 किया, चैन चांसेस भी क्रिएट किए। तो ये एंड टू एंड फुटबॉल यान ने अच्छी खेली थी, इस वजह से इनको भी हमने टीम में लिया है। मैं अगर मिडफील्ड की डिफेंस की बात करूँ, देखो शाओ कोंग जो है वो सबसे पीछे में, आप अगर देख सकते हैं तो वो इस पोजीशन पे खेलते हैं कि वो सेंटर बैक में खेलते हैं शाओ, और उन्होंने भी पूरा मैच खेला था। आप देखेंगे तो इंटरसेप्शन 5 किए थे, टैकल 2 किए थे। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जब खेलेंगे तो क्लीन शीट का भी वैसे चांस है। तो हमने इनको लिया है। यहीं पर हमने जोंग को भी लिया है,
जोंग सबसे लेफ्ट बैक खेलते हैं। लास्ट मैच में भी देखा जाए तो चांस पे क्रिएट किए थे, विंग से आकर 3 टैकल भी किए थे, 2 इंटरसेप्शन भी किए थे। ये भी एक काफ़ी क्रूशल प्लेयर है। तो इस तरीके से हमने गुंगजाओ की टीम आपको समझा दी है। चलिए अब हम बात करते हैं जो इनके ओपोनेंट्स हैं। देखिए ओपोनेंट इतने फेवरेट्स नहीं है बिकॉज ओपोनेंट काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप हमें बताना ज़रूरी है कि ये इनमें कौन से प्लेयर आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेयर जो स्टार्ट करेंगे, देखिए प्लेयर्स तो अच्छे अच्छे हैं, जैसे सूजा है, वेली है और हुआजे है, लेकिन स्टार्ट करने वाला प्लेयर हम लास्ट मैच में देखेंगे, जिसने लास्ट मैच में स्टार्ट किया था उसके हिसाब से कौन से प्लेयर अच्छे हैं। तो जैसे हमने बात की है लियो वे की, देखिए लियो वे इसमें लिखा है नॉट स्टार्टेड क्योंकि अगस्त का मैच है, लेकिन उन्होंने लास्ट गेम लियो वे ने स्टार्ट किया था। तो इस वजह से इनके साथ क्या है कि इन्होंने मिडफील्ड में खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, इनके टैकल इंटरसेप्शंस के पॉइंट आपको डिसेंट मिलेंगे लियो वे के, इस वजह से हमने इनको भी टीम में जगह दी है और हमें लगता है कि ये आगे खेलेंगे। इन्होंने कुछ ही हैंडफुल मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 4 टैकल्स और 2 इंटरसेप्शंस किए हैं। वहीं पर हमने सिल्वा को लिया, देखिए सिल्वा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जाओ पेड्रो सिल्वा, ये काफ़ी बड़े प्लेयर होंगे इस मैच में भी, और ये अगर ये स्टार्ट करेंगे तो इनको तो ज़रूर आप टीम में लीजिए। अभी इन्होंने सिर्फ 4 मैचेस स्टार्ट किए हैं, लेकिन ये काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, कभी भी बेटर खेल सकते हैं। वहीं पर हम लिन की बात करते हैं, देखिए लिन इनके बेस्ट डिफेंडर हैं बाय अ कंट्री माइल, क्योंकि जो लिन हैं इनके जो स्टैट्स हैं वो बड़े दमदार स्टैट्स हैं और आपको इनको लेना चाहिए। इन्होंने 2 असिस्ट किए हैं 14 स्टार्ट्स में, लेकिन लिन की जो परफॉर्मेंस ऊपर है वो ज़्यादा अच्छी है, जिसमें इन्होंने 25 टैकल जो सबसे ज़्यादा है, 17 इंटरसेप्शन और 27 क्रॉसेस फील्ड में डाले हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। ऊपर से अगर आपको और मैं कई प्लेयर्स की बात बताना चाहूँ जो इसमें मे बी हम लोग स्टार्ट करवाएं ना करें, लाइनअप अनाउंस होने के बाद ही पता लगेगा कौन करते हैं, तो हम समीर मेमिसेविच की भी बात कर सकते हैं। देखिए समीर मेमिसेविच जो हैं, जो 51% लोगों ने लिया, इनका श्योर लास्ट गेम स्टार्ट नहीं किया था तो हम श्योर नहीं है कि करेंगे कि नहीं। इन्होंने 29 इंटरसेप्शन सबसे ज़्यादा किए और 12 टैकल्स किए। ये अभी हमने टीम बनाई है जिसमें हमने लियो को कप्तान रखा है, देखिए होम टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमने शियाओ को भाई, ये दोनों ही प्लेयर्स आगे खेलते हैं और हमें लगता है कि ये बेटर खेल सकते हैं इस मैच में भी। लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद मे बी इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो आपको हम देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी भी ड्रीम 11 टीम्स के लिए ऐसे ही देखते रहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलिए। चाइनीज़ लीग थोड़ी मुश्किल होती है समझनी बिकॉज बहुत सारे प्लेयर स्टार्ट एंड स्टॉप करते हैं, लेकिन बिलीव इन योर सेल्फ और अच्छी टीम बनाएं। थैंक यू।